दिस वीडियो इज पावर्ड बाय ओप्पो रेनो 6 प्रो 5G। अच्छा तो सीन ये है, इस वक्त मेरा एक दोस्त है, मेरे प्यारे भाई जे प्लेयर जो है ना, इस वक्त लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। उसको नहीं पता कि मैं आया हूँ दुबई, तो उसके साथ बैठ के ना एक लड़का खेल रहा है गबरू। उसके घर आए हैं हम, अपार्टमेंट आए हैं, अभी उसके रूम में चलते हैं। उसको मैंने बोला कि भाई तू जे को लगा लाइव कॉल, ये वीडियो कॉल, लेट्स सी। दिलफूजा डकी व्हाट डकी पैन यकी इन द हाउस, यस 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 यस। हाउ आर यू? गुड, थैंक यू वेरी मच। इट्स अ सरप्राइज, इट्स अ सरप्राइज। ओह यू गॉट अ वेरी गुड क्यूटी डॉग, व्हाट इज हिज नेम? चेरी। ओह चेरी चेरी चेरी। गाइस डकी भाई यहां है और जे को पता नहीं है, और अब हम जाके इसकी पूरी फाड़ेंगे। अच्छा मैं तुझे स्टोरी बताता हूँ। इसको क्या है कि घर में हमने ना एक काम करने वाला रखा है, वो तेरा फैन है, तो एक छोटा सा हेलो हाय कर दे फिर वो चला जाएगा। ठीक है, देखो एक मेरा बहुत ही एक मुलाजिम रखा है, वो आपसे बात करना चाहता है। वो कहते चलती स्ट्रीम बंद करा के मुझे बात कराओ, प्लीज उससे बात कर लो। क्या मतलब? कर है घर पे काम करने वाला रखा है, कह रहा है मेरी एक बार बात करा दो। तो करा दो ना, क्या हुआ ऐसी बात? अरे इधर क्या कर तू, वही क्या कर रहा है? ओ मेरा दिल तेज हो गया धड़कन। ओ भाई साहब, अच्छा नहीं मैंने इसको मैसेज मैंने इसको मैसेज किया है। मैंने कहा रात को जो है हम हॉरर गेम भी खेलेंगे, तो तू आ जाएंगे? आगे से मुझे कहता है यार मैं अभी बाहर हूँ फैमिली के साथ, अभी नहीं मैं आऊंगा, मैं बाद में आ जाऊंगा। पैन यार मेरा भी दिल चाह रहा है यार, मेरा पासपोर्ट नहीं आ रहा बहन। अच्छा कहता है खाना खाने जा रहा हूँ, इधर मरा रहा है। लेवल हो गया, हैवी यार, हैवी हैवी, मजा आ गया, मजा आ गया। Hey guys, तो अभी हम लोग जा रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का क्रिकेट मैच देखने। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का क्रिकेट मैच हो रहा है 24 को, विच इज आज है। कौन से स्टेडियम में हो रहा है जरा बताना? कदाफी स्टेडियम मैच हो रहा है। कदाफी स्टेडियम, कदाफी स्टेडियम दुबई, कदाफी स्टेडियम दुबई। वैसे लग ही वैसे कराची रहा है, वैसे इतना कोई फर्क तो नहीं है। लाहौर वो देखो, मिनारे पाकिस्तान वो देख। मैच पे जाने से पहले यार हम लोग अभी आए हैं इधर बोट राइड पे, पता नहीं बोट राइड करेंगे वैसे हम, या वैसे करेंगे। कश्ती पे बैठ चुके हैं और ये हमारे पायलट है। पायलट तो मैं था यार, कैप्टन यार ऐसे में ना पायलट का एक ऐसे में मजाक है। पैसे खर्च लिए दुबई के अंदर, टोपी ली है आपके भाई ने, एंज लगन डे जिवें टोपे ने टोपी पाई होंदी है। अरे क्रिकेट मैच, अरे 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 अल्लाह की कसम नहीं पता था बाबा, अरे आपने जो थाड़ा भाई जोगिंदर की सही ली है। और बताओ बताओ, फोटो ले लो यार, ले लो फोटो ले लो ले लो एंजॉय कर। हमारे साथ हैं पाकिस्तान के सबसे मशहूर यूट्यूबर, जिनको मैं कनाडा से फॉलो करता हूँ बाय द वे, डकी भाई। मेरे साथ मेरे सारे इंडियन दोस्त हैं यहाँ पे जो हार रहे हैं, पूरी तरीके से हार रहे हैं। गुड टू सी यू, कीप अप द अमेजिंग वर्क, कीप ऑन किलिंग इट ब्रो। डकी के फैंस क्या बात है, ठीक ठाक, बस क्या गर्मी गर्मी में फैन मिले। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जीत रहे हैं। इंडिया वाले ढीले हो गए हैं सारे, वो देखो ढीले हो गए। नहीं सर मैच है सर, अभी नहीं सर, अभी एक ओवर रहता है यार, मत जाओ भाई सर यार, अभी रन दो यार, एक मैच है, कुछ हो जाओ कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं यार, अभी यार अभी ना जाओ। मैंने बिरयानी की देख तैयार की है यार, मैंने घर पे बिरयानी की देख तैयार की है, अभी नहीं जाओ यार, अबे पूरे पुलाव की देख यार, चाचा जी बिरयानी की देख कर यार तैयार की है, आप खा के जाए। बिरयानी
ऑलवेज गेस्ट को वेलकम करते हैं एंड हम खुश हैं कि आप हमारे अरे और जीते अरे अबाउट टाइम एंड एंजॉय अरे सर अगेन एंड अगेन बड़ी बातें कर रहा था तू बड़ी बातें कर रहा था हम ऐसा करेंगे हम ऐसा हालात बदल दिए जज्बात बदल दिए हर कोई निकल दी रात को इन लोगों ने निहारियां खाई है इन लोगों ने बर्गर खाए आइसक्रीम खाई है सर ये क्या सच है क्या ये बात सच है क्या आपने निहारी खाई है पाकिस्तान का मतलब क्या पाकिस्तान का मतलब क्या 2 hours later hey guys subscribe kar dena mera gala chhut gaya sara din cheekh cheekh ke ab mere se bola bhi nahi ja raha mera chhut gayi band chalo khair anyways congratulations team pakistan aur well played india aisa lag raha hai jaise muh pe leke aaya hu kisi ka aaj to nahi shayad khair vlog ho payega kyunki phat gayi hai bhai meri baki कल मिलते हैं। ओके गाइस मैच तो खत्म हो गया और बहुत मजा आया काफी फोटोज ली काफी वीडियोस नहीं लेकिन जैसा कि तुम लोग देख सकते हो कि मेरे पास अभी भी 49% बैटरी पड़ी हुई है इतना ज्यादा यूज करने के बाद भी और इस वक्त मैं अपनी गेमिंग कर रहा हूँ होटल में बैठ के चिलिंग और यहाँ पे 5G भी आ रहा है जिस लोकेशन पे हम हैं आए हाय 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 और मैं तुम लोगों को बता दूं कि इस फोन के अंदर है 4D वाइब्रेशन 4D वाइब्रेशन क्या करती है कि आपकी आपने पकड़ा होगा फोन और आपको पता लग जाएगा कि एनिमी कहाँ से आ रहा है और आपको वाइब्रेशन जो है वो इन गेम साउंड के हिसाब से मिलेगी वो ऑब्वियसली अब मैंने हाथ में फोन पकड़ा हुआ है तो तुम लोगों को कैमरे में ही नजर आएगा लेकिन अगर तुम लोग रियल टाइम यूज करोगे वो फीचर तो काफी मजेदार है मैं तुम लोग को एक और चीज बता दूं कि इसके और भी कुछ गेमिंग फीचर अगर तुम लोग यहाँ से स्वाइप करते हो तो तुम लोगों को जो है यहाँ से परफॉर्मेंस मोड गेम फोकस मोड जो है यहाँ से तुम लोग देख सकते हो गेम फोकस मोड का मतलब ये है कि तुम लोगों को ना सारी नोटिफिकेशन वगैरह ब्लॉक हो जाएंगी ताकि तुम लोगों को गेमिंग के दौरान कोई तंग ना करे इसको टर्न ऑन कर दो तो अब कोई भी हमें तंग नहीं करेगा परफॉर्मेंस मोड यहाँ से तुम लोग देख सकते हो जो गेम मोड तुम लोग देख रहे हो ये जो है अगर तुम लोग ऑन करते हो तो इस वक्त जो फोन की सारी परफॉर्मेंस है सारी पावर जो है वो इस वक्त इस फोन को जा रही है तो ये था मेरा ओप्पो रेनो 6 प्रो 5G के अंदर गेमिंग एक्सपीरियंस मैं आगे भी करता रहा अभी हम लोगों की फ्लाइट है हम लोगों को कल फ्लाइट कैच करनी है तो बाकी ये नहीं जो है ना हम लोग एयरपोर्ट पे करेंगे कोई मैं तुम लोगों को एक चीज दिखा दूं कि ये जो फोन जो है ना ये वाटर रेजिस्टेंस है यानी कि अगर तुम लोग नहा रहे हो तुम लोगों को टब के अंदर बैठ के मोबाइल यूज करना है किसी भी वजह से कुछ भी हो सकता है तो वाटर रेजिस्टेंस है ये फोन एंड ये साफ सुथरा भी हो गया सिक्का डालते हैं देखते हैं निकलता है सारे छोटे वाले ना जान के उसने कोने में पहंगे में ताकि मैं छोटे वाले ना उठा बड़े वाला नहीं निकलता रेडी वासिफ रेडी 3 2 मैं नहीं देख रहा निकला यार निकला यार ओ मैं निकला ओ निकला ओ निकला फर्स्ट टाइम निकला यार रुक मेरा भालू मेरा भालू मेरा भालू फर्स्ट टाइम एक धर्म का आया हुआ निकालने रेडी है रेडी निकलेगा 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 रुक जा यार वो फंसा हुआ है ये निकलेगा नहीं लेकिन निकलेगा नहीं लेकिन ये निकाल कोने वाला कोने वाला कोने वाले तक पहुंच नहीं रहा ना ये देख ये पू पकड़ ले पू का बच्चा भी नहीं होगा और रैंडम हाथ फेर दिया उसने यार जाए हो गया यू टॉय ओनर यू स्टोल माय 3 dirhams 700 dirham का ये स्टेक 700 dirham का बैंड कितना हो गया 35,000 rupees का ये तुम्बे का तुम्हें पीस दे रहे हैं तो खा लेना उसके बाद एक महीना भूखे रह लियो अबे यार इतने की पूरी गाय आ जाती है ब्रो के नीचे देख सोने की सोना ये खा रहे टट्टी निकलनी जो टट्टी है ना निकलनी पे भी टट्टी ही है ना पॉइंट तो देखो ना चाय के ऊपर मेरा बूथा लेके आए हैं ये दुबई के वेटर तो दिल ही नहीं कर रहा पीने का तो क्या करना चाहिए फिर
इस पूरे ट्रिप के दौरान मेरे पास जो फोन रहा है दैट वाज ओप्पो रेनो 6 प्रो 5G, जिसने मुझे जबरदस्त किस्म की बैटरी लाइफ और जबरदस्त किस्म की गेमिंग परफॉर्मेंस दी है। थ्रू आउट द क्रिकेट मैच मैं इस फोन से काफी हद तक शॉट्स लिए हैं, जैसा कि तुम लोग ये ओप्पो रेनो 6 प्रो 5G से लिए गए सैंपल शॉट्स देख सकते हो। इस फोन के 4D वाइब्रेशन सिस्टम से रहे मेरी गेमिंग परफॉर्मेंस 100% और सुपरवॉक 2.0 फास्ट चार्जिंग 65 वॉट से मेरी बैटरी होए मिनटों में फुल। अभी है आसिम अजहर की बर्थडे और हम लोग उसको सरप्राइज करने जा रहे हैं। उसको नहीं पता कि मैं आ रहा हूँ, ठीक है, उसको जरा आइडिया नहीं है। ये मैंने बोतलें खरीद ली हैं, स्नो स्प्रे खरीद ली है उसकी, हम लोग अभी फाड़ के आते हैं, अभी जा रहे हैं उसी की तरफ। तो लेट्स सी, देखिए क्या करने वाले हैं आप। आसिम को गीला करने वाले हैं। नहीं, नहीं ये स्नो स्प्रे है, ये ओके होगा। उसको नहीं पता कि हम लोग करने वाले हैं उसके साथ ये। तो लेट्स सी। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये ओए बेचारा, वाओ मेरे कान बंद हो गए। डकी का मुझे लिटरली आधे घंटे में मैसेज है, मीरव मैं अंडे मारने आ सकता हूँ। मैंने कहा मैंने कहा हाँ आ जाओ। मैंने कहा 11:50 पहुंच जाना, ठीक है मैं सब कुछ पकड़ के लेकर आ रहा हूँ यार। फिर हमने कहा कि वो दर्द होगी, फिर मैंने अमीम भाई कहते क्या प्लान है रात का। मैंने कहा डकी अंडे मारने आ रहे, कहते होगी मैं भी आ रहा हूँ। मुझे रिफंड चाहिए भाई। अगर पाकिस्तान जीत गया ना, अगर पाकिस्तान जीत गया तो कोई डेढ़ दो यार कुछ करेंगे, नानी वाले से मुलाकात करेंगे दुबई में फेस टू फेस। अगर पाकिस्तान जीत गया क्या होगा? इतनी देर से ही मैंने छोड़ी डाली भी है और अभी इतनी कोई हफ्ता हो गया है और फिर भी लोग अभी तक मुझे मैसेज कर रहे हैं किधर है, हैं डेयर किधर है, तुम बकवास करके निकल गए और ये वो। तो बस ये है यार, मिस करा खाना वाना।